डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां पर पुरुष नहीं बल्कि महिलाओं की आबादी ज्यादा है। जी हां, एस्टोनिया देश में किन्हू नाम के आइलैंड पर करीब 90% से ज्यादा आबादी तो महिलाओं की ही है, जो पूरे आइलैंड की एक तरीके से जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। दरअसल इस आइलैंड की आबादी सिर्फ 300 के आसपास ही है, क्योंकि बताया जाता है कि किन्हू आइलैंड पर रहने वाले पुरुष एस्टोनिया में नौकरी पेशे की वजह से चले जाते हैं, तो घर परिवार और इस पूरे इलाके की जिम्मेदारी जैसे यहाँ की महिलाओं पर ही आ जाती है। इसीलिए इस किन्हू आइलैंड पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही रह जाती हैं। ये महिलाएं तीज त्योहारों को बच्चों संग धूमधाम से मनाती हैं और कुछ महिलाएं तो शिल्पकारी करके पैसे भी अर्जित किया करती हैं। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि ये महिलाएं ही यहाँ के लोगों की शादी से लेकर अंतिम संस्कार तक करवाती हैं। कहते हैं कि किन्हू आइलैंड पर क्रिमिनल और देश निकाला जैसी सजा भुगत रहे लोग पहले कभी रहा करते थे, लेकिन बाद में करीब 50 सालों तक आइलैंड पर उस वक्त सोवियत संघ ने कब्जा किया हुआ था, जिसके बाद से यहाँ महिलाओं का वर्चस्व हो गया। बस तभी से इस आइलैंड को ज्यादातर महिलाएं ही संभाल रही हैं। हालांकि कहते हैं कि बदलते दौर के साथ साथ अब यहाँ के लड़के लड़कियां आइलैंड से बाहर जाकर पढ़ाई या नौकरी करने की भी इच्छा रख रहे हैं, जिस वजह से धीरे धीरे यहाँ की मातृशक्ति वाली जो परंपरा है अब खत्म होती भी दिख रही है। आपको बता दें कि एस्टोनिया के किन्हू आइलैंड का नाम यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में शुमार है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com